जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं विवेक वर्मा आज से आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक नया बैच, जिसमें रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से रहेगी, स्टार्टिंग से रहेगी, चैप्टर वाइज रहेगी, जिससे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लियर होता रहेगा। तो आप लोग स्टडी 24 विवेक यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद उठा पाएं और अपनी पढ़ाई और अच्छी कर पाएं। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी एंड सिमिलरिटी होता क्या है। बेसिकली आप लोगों को भी पता होगा एनालॉजी मीन्स क्या होता है, सादृश्यता, एंड सिमिलरिटी मीन्स क्या होता है, समानता होता है। तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से हमारे एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर करिए। आप लोग इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप इटली 24 विवेक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देरी ना करते हुए, और आप भी देरी ना करते हुए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, इसका मींस क्या होता है? एनालॉजी मींस क्या होता है? सादृश्यता, एंड सिमिलरिटी मींस समानता। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी मींस क्या होता है? सादृश्यता, एंड सिमिलरिटी मींस समानता। एनालॉजी मींस क्या होता है? सादृश्यता, एंड सिमिलरिटी मींस समानता। ठीक है, तो सादृश्यता मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा और उनके एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझना होगा कि क्या समानता दी गई है उसमें, वही उनको पता करना होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे किससे आते हैं? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में। ठीक है, एनालॉजी और सिमिलरिटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके चार हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उन्हीं ऑप्शन के बिहाफ पे हमको चेक करना होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है, यही हमको पता करना होता है एनालॉजी और सिमिलरिटी में। ठीक, तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एक करियर कंप्लीशन क्लासेस का ही पार्ट है स्टडी 24 विवेक, तो उसी के थ्रू मैं विवेक वर्मा आज आपको बता रहा हूँ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का बहुत ही शानदार टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सादृश्यता मीन क्या होता है और समानता मीन क्या होता है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में इस टॉपिक के, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे, इस टॉपिक में। दोस्तों फर्स्ट है वर्ड्स एनालॉजी। क्या है? वर्ड्स एनालॉजी। वर्ड्स एनालॉजी मीन क्या होता है? कि शब्दों की सादृश्यता। किसकी? शब्दों की सादृश्यता, शब्दों की सादृश्यता। तो दूसरा क्या होता है? नंबर एनालॉजी। सभी को पता होगा नंबर्स क्या होते हैं, पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर एनालॉजी में क्या आते हैं कि नंबर देने की 1 2 क्या होते हैं, हमारे 100 जैसे नंबर्स होते हैं, तो इन्हीं नंबरों की सादृश्यता या सिमिलरिटी को पता करना होता है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर टाइप 3 क्या होता है? अल्फा बेटिक एनालॉजी, यानी कि अल्फाबेट क्या होते हैं दोस्तों? A to Z जो अल्फाबेट होते हैं, इन्हीं प्रकार इन्हीं पे बेस्ड कोई क्वेश्चन दिया होगा, उनके ऑप्शन दिए होंगे तो हमसे पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि क्या समानता है या कि क्या सादृश्यता है। तो दोस्तों बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से हमारे एग्जाम में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, नेवी, आर्मी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो उसमें
आपके रीजनिंग आती है, और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। ज्यादा नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी होता क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं। अब एक एक टाइप को हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं। शानदार समझेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे वीडियो को, लेकिन हाँ इतना जरूर बनाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में जरूर आए। तो अब देखेंगे टाइप 1 क्या है, वर्ड्स एनालॉजी। तो अब सीखेंगे कि वर्ड्स एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 6-7 क्वेश्चन देखेंगे एक एक टाइप के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तभी हम आप समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे डाउट है। मैं आप उस चीज को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग नहीं बताएंगे, वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और हमारा भी लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर देखें वीडियो लास्ट तक, वीडियो स्किप करके मत जाइए। अब देखेंगे टाइप 1 वर्ड्स एनालॉजी। जितने भी शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक रेलवे एसएससी और किसी एग्जाम में, तो वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे टाइप 1 वर्ड्स एनालॉजी, यानी कि शब्दों की सादृश्यता कैसे पता की जाती है कि कौन से प्रश्न में कौन सी सादृश्यता दी गई है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप 1 की क्या है वर्ड्स एनालॉजी। क्या है वर्ड्स एनालॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शब्दों की सादृश्यता को पता करते हैं। या ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, अच्छा बुरा एंड छत, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्या करना है हमको इसमें, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको 4 आसन दिए होंगे और आपको ये पता करना है कि जिस प्रकार अच्छा रिलेटेड है किससे, बुरा से। तो क्या है, अच्छा का अपोजिट या विलोम शब्द क्या है, बुरा है। तो उसी प्रकार छत का अपोजिट या विलोम शब्द क्या होगा, तो फर्श होगी, जो कि आपका नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। आई बात समझ नहीं आई, यही है वर्ड एनालॉजी, यानी कि शब्दों की सादृश्यता को पता करना कि किस प्रकार क्वेश्चन में एक दूसरे से कोरिलेट करके हमको आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, धागा कपड़ा एंड तार एंड नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। भाई जो कपड़ा पहनते हैं आप लोग, मैंने टी शर्ट पहनी है तो कैसे बनी, कई तरह धागे मिले हैं आपस में, तो उससे क्या बना, कपड़ा बना। और तार से फिर क्या बनेगा, कई सारे तारों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, जाली बनेगी। तो ये आपका नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। आई बात समझ में, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपस में कोरिलेट करना है, उनको पता करना है कि किस प्रकार वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार हमको उसका आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, गणित है, तर्क है, फिर विज्ञान है, और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। तो गणित में देखे होंगे आप, गणित पढ़ते हैं तो क्या दिया जाता है उसमें, तर्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है गणित में, तर्क दिया जाता है। और विज्ञान में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भाई विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं उसमें, प्रयोग किया जाता है। तो आपका नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खुरदरा चिकना एंड व्यवस्थित आंसर ने पूछा गया है। तो इसमें देख पा रहे होंगे खुरदरा का अपोजिट क्या होता है, चिकना। भाई खुरदरा का अपोजिट क्या होता है, चिकना होता है, तो विलोम शब्द है। तो इसी प्रकार व्यवस्थित का अपोजिट क्या होगा, अव्यवस्थित। क्या होगा, अव्यवस्थित। तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें तो अव्यवस्थित ऑप्शन ही नहीं है, तो अव्यवस्थित को क्या लिखते हैं, बढ़ेगा। इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है। आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए। तो दोस्तों देखेंगे वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाग संपूर्ण और चाप एंड नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, यानी कि जिस प्रकार भाग रिलेटेड है संपूर्ण से, तो चाप से रिलेटेड क्या होगा, नेक्स्ट टर्म, वही हमसे इसे पूछा गया है। तो भाग को पता होगा कि भाग का पूर्ण रूप क्या होता है, संपूर्ण होता है। यानी जैसे कोई संपूर्ण नंबर लिखा हुआ है, जैसे 24 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको एकदम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 4 6 अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार भाग का पूर्ण रूप क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। यानी किसी संपूर्ण नंबर को एकदम डिवाइड करेंगे तो क्या, भाग, उसी को तो भाग कहते हैं। फिर चाप का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इसे चाप का पूर्ण रूप कोई वृत्त बना है, तो इसी में तो चाप देंगे तो क्या होता है, राइट आंसर इसका वृत्त होता है, जो कि आपका नंबर भी यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि भाग का पूर्ण रूप जिस प्रकार संपूर्ण होता है, उसी प्रकार चाप का पूर्ण रूप क्या होता है, वृत्त होता है, जो कि आपका नंबर भी यहाँ पे राइट है। दोस्तों तो आज की वीडियो केवल आपके इंट्रोडक्शन के लिए थी, तो आप लोग
एक समझ गए होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाई जाएगी बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की। तो डेली डेली क्लास करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। एक क्लास जो आज आपकी थी केवल इंट्रोडक्शन बेस पे थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अब कल से आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।